बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बबलू लुंड एक्सप्लोर। फ्रेंड्स आज फिर एक नई प्रोडक्ट लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। प्रोडक्ट आप मेरे सामने देख रहे हैं लेडीज़ फैंसी थ्री पीस सूट के हवाले से, ठीक है। अच्छा इसमें आपको रेंडमली दिखाऊँगा मैं कि इसमें से क्या क्या निकल रहा है, और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को जो है पूरा वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह वीडियो में जो है आपको पूरी डिटेल दी जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। ये देखिए पहला पीस चेक करें, ठीक है। लंदन का स्टॉक है जी, ये देखिए मैं आपको करीब से भी चेक करवा देता हूँ, ठीक है। लंदन का स्टॉक है जी, टैक्स कंपनी का, टैक्स कंपनी का, ठीक है। अच्छा इसमें आपको टोटली फ्रॉकें मिलेंगी, ठीक है। मैं आपको ये देखिए मैं आपको विजिट करवा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। और इसकी जो रेट है व्यूअर्स 500 रुपये पीस पड़ेगा, और कम अज़ कम इसमें जो है आप 50 पीस का ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है जी। बाकी आप माल को नोट करते जाएं, और इंशाल्लाह ए क्वालिटी का माल है ये, ठीक है। और इंशाल्लाह इसमें जो है कोई भी कटा फटा नहीं दिया जाएगा, ठीक है जी। ये देखिए, ठीक है। और लंदन के स्टॉक है, जिन्होंने भी ऑर्डर करना हो स्क्रीन पे जो है नंबर दिया जा रहा है, तो हमें जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करके बआसानी अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा ये मैंने कोई छांट के नहीं रखा हुआ, ये रेंडमली आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है जी, ठीक है। और ये देखिए, ये देखते हैं मैं करीब से भी आपको, ये देखें, ठीक है, काम देखें। और साथ साथ जो है मैं आपको पेमेंट प्रोसेस के हवाले से भी बताता हुआ चलता हूँ। आप कराची से हों या कराची से बाहर से हों, पेमेंट प्रोसेस जो हमारा एडवांस होता है ट्रक अड्डे के थ्रू जो है आपको बिल्टी करवाई जाती है, बिल्टी चार्जेस आपके होते हैं। चाहे शेरशाह से माड़ीपुर अड्डे तक के हों या माड़ीपुर अड्डे से आपके शहर तक के अड्डे के हों, दोनों आप पे करते हैं, ठीक है जी। थोड़ा ये नीचे से भी दिखा दें इधर से, 2-3 पीस ना, हाँ ये देखिए जी, ठीक है जी। और दिखा दी 1-2 पीस और, आपको करीब से दिखाता हूँ, ठीक है, ये दिखते जाए, ठीक है। ये देखते जाए, एक और दिखा दो, और मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।